अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और इस वक्त जो है ना 11:30 हो गए तकरीबन, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे जाना है हॉस्पिटल, और बस मैं निकल रही थी हॉस्पिटल। और मैंने जो है ना लास्ट वीडियो आज एक अपलोड की है, कुछ गाँव के क्लिप थे और कुछ मुल्तान का था। बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, मैं बिल्कुल जो है ना वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो उसे जो है ना एडिट करके अपलोड कर लेती हूँ। तो वो मैंने कर दिया, वो हो गया है। अभी जो है ना मैंने सब्ज़ी वगैरह भी बना ली है रात के लिए, बस वो काम भी हो गया। तो अभी जो है ना चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अब हॉस्पिटल जाना है, बहुत ज़रूरी है। थोड़े जो है ना डॉक्टर से बात करनी है, वो करके फिर आती हूँ। मोबाइल घर पर ही छोड़ जाऊँगी, लेके नहीं जाऊँगी। और उसके बाद जो है ना देखूँगी आज का दिन, अगर मैं रिकॉर्ड कर सकी तो ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ भी हम कनेक्ट रह पाएँ। तो क्योंकि छुट्टियाँ फ्री हैं, बच्चे कुछ खास मसरूफियत है नहीं, तो बस अभी चलते हैं। अभी मैं निकलने लगी थी तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लेती हूँ, और मोबाइल जो है ना घर छोड़ के जा रही हूँ, ये नहीं लेके जाऊँगी। तकरीबन 1-1.5 घंटे में जो है ना मैं वापस आ जाऊँगी, और उसके बाद जो है ना आके फिर मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ, इसको रखते हैं, आ जाए। तो मैं आ गई हूँ घर पर वापस, और बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हफ्सा हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ना बादल से हुए थे, थोड़ी देर में बारिश आए आएगी, लेकिन अभी स्टिल बहुत गर्मी थी। खैर मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई, बच्चों को भूख लगी हुई थी, और उनसे मैंने पूछा क्या खाना है। तो उनका था कि हमने जो है ना नान खाने हैं, फ्राइड नान। तो मेरे पास मैंने ना फ्रीज़ किए हुए थे नान, तो बस मैंने जल्दी से निकाले, थोड़ा सा मसाला बनाया। तो आज जो है ना लंच में हम यही खाएंगे, फ्राइड नान और पकोड़े। बच्चे जो है ना शौक़ से खाते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, फिर मैंने बना लिए। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और हमारा आ गया था फ्रिज। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लोग फ्रिज देखने गए थे, वो फ्रिज हमारा आ गया था। आज जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। आपको पता है मैंने बताया था कि हम लोग जो है ना घर पर होते नहीं हैं फ़िलहाल, इस वजह से जो है ना मैं वीडियोज़ भी रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि हम लोग घर पर नहीं होते। तो ये रहा हमारा न्यू वाला फ्रिज, और ये माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी बड़ा है। ये देखेंगे जो दोनों है ना, इन दोनों से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अब मैंने तो पहले ये प्लान किया था कि मैं वो वाला सेल कर दूंगी और उसकी जगह पर ये आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जगह इतनी कम है कि इसके साथ ये वाला फ्रिज नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पूरी पूरी जगह आगे डोर आ जाता है। और फ्रिज के ऊपर इसकी पैकिंग, इसकी जो भी निकली है ना इसके अंदर से, वो रखी है, उसको इग्नोर करें। तो अब सोच रही हूँ कि अब देखते हैं क्या करता है, क्योंकि इधर भी जगह बहुत कम है, और किचन में जो है ना इस वक्त 3 फ्रिज पड़े हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इसको जो है ना हम कहाँ रखें, क्योंकि इसका साइज़ माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। इसको अभी हमने जस्ट ऑन किया है, अभी खाली चलाना है कुछ टाइम के लिए। तो साइज़ इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों को ना रख पाए तो फिर वो वाले दोनों ही सेल कर देंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी खुला है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, इसका साइज़ बहुत है। तो देखते हैं अभी क्या करना है, इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि फ़िलहाल वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और ये भी चल रहा है। तो ये तो अभी चेक कर रहे हैं, ये फिर जो है ना उसको बंद कर देंगे, फिर ये स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी सेट करने वाला है, क्योंकि इनकी वजह से जो है ना जगह बहुत ज़्यादा तंग हुई पड़ी है, सामान इधर उधर रखा हुआ है। यहाँ पर जो रैक था वो मैंने उठा के अभी फ़िलहाल बाहर रखा है, उसका सामान जो है इधर पड़ा हुआ है। ये सारा सेट करने वाला है किचन। तो फ्रिज जो है ना वो हमने निकाल दिए, बाहर निकल रहे हैं बल्कि, और साथ में जो है ना पैकिंग हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना हमने फिर से जाना है मुल्तान। बस यहाँ पर जो है ना बच्चे खेल रहे थे, और हादी खेल रहा था, वो ना हेयर कट कर रहा था। अब उसका अपना डर थोड़ा सा निकला है ना, तो अब वो कंघा लेके सारा दिन दूसरों के हेयर कटिंग पे लगा रहता है। तो बस यहाँ पे अपने भाई को बिठाया हुआ है, और उसको बता रहा है कि मैं जो है ना तुम्हारी कटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता है ना, तो वैसे वैसे फिर जो है ना वो दूसरों पर भी अप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो है ना ये गेम चल रहा था, खैर मुझे जो है ना साथ साथ करनी है पैकिंग। मेरा तो सारा टाइम जो है ना पैकिंग करने में, पैकिंग निकालने में, पैकिंग वॉश करने में, पैकिंग मतलब कपड़े शपड़े जो हमने लेके जाने होते हैं, लेके आने होते हैं, सारा टाइम उसी में ही चला जाता है। तो बस बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा जल्दी से साथ में पैकिंग करते हैं, एक छोटा सा क्लिप लिया है, और घर में भी काम चल रहा है। तो जो है ना अभी हम फ्रिज सारे, फ्रिज मैंने वॉश कर दिए हैं, फ्रिज भी और फ्रीज़र भी, और बर्तन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो बर्तनों वाली अलमारी निकलेगी, फिर उस जगह पर जो है ना फ्रिज आ जाएंगे दोनों। तो अभी क्लीन करके वहाँ रख दें, क्योंकि
जब सेल करने होंगे जिसको चाहिए होंगे वो वहाँ से ले लेंगे उठा लेंगे। तो फाइनली मेरा फ्रिज आ गया है यहाँ पर और रैक आ गया है वापस अपनी जगह पर और किचन जो है ना अब थोड़ा सा खुला हो गया, इसमें थोड़ी सा स्पेस बचा है, लेकिन इधर दूसरा फ्रिज नहीं पूरा आ सकता था, ना इधर आ सकता है पूरा ना इधर, एक ही फ्रिज आएगा, अब दो नहीं आएंगे, किचन में जगह नहीं है। तो अगर मैं यूँ रखूँ तो फिर यहाँ पर जगह कम बचती है, तो इसलिए जो है ना वो दोनों हमने निकाल दिए हैं और ये जो है ना यहाँ पर फिक्स हो गया है। माशाल्लाह प्यारा भी लग रहा है और जगह भी किचन भी खुला हो गया है। पैसे हमारे पास होंगे ये नहीं नहीं मेरे पास तो कोई नहीं, मेरे पास बर्फ़ी का डब्बा ही है बस, मैं तो यही खाऊंगी, पैसा वैसा नहीं है अपने पास, उसके लिए हमने आपको रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना सेशन हमारा डन हो चुका था, अभी हम वापस जा रहे हैं और यकीन करें मुल्तान में कोई इतनी कोई क़यामत जैसी गर्मी है ना बस मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी है कि बस बना लेने हैं। ये है यहाँ पर फ्रूट मार्केट लाल कुर्ती मुल्तान कैंट, यहाँ पर बन रहा है बन्नू पुलाव, बोतल है 60 रुपये की, 1 किलो 800 रुपये का और एक प्लेट है 200 रुपये की। और देखो हुज़ैफ़ा देख लो, अगर तुमने खाना है तो देख लो कैसे निकाल रहे हैं। मैं नहीं खाना ना, मैं जाऊँ फिर ले आओगे, कितनी देर लगेगी वो एंड पे, कितना टाइम लगेगा? चलो फिर 10 मिनट के बाद पता करते हैं, ठीक है? आ जाओ मिल लेते हैं। चलो ऑर्डर हमारा हो गया और उनका न्यू स्टाइल अभी था वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब पापा अकेले रह गए हैं खाने वाले, गोलगप्पे नहीं है वहाँ पर है। आदि का जो है ना अभी आ रहा है, वो वेट कर रहा है, हमारा आ गया है। आदि ऑर्डर कर रहा है अपनी, रात के खाने में जो है मैं खिलाऊंगा, क्या खिलाओगे? मैं सबको डिनर कराऊंगा, जिस दिन मेरी पहली तनख्वाह आएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड प्लस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो जनाब इस वक्त जो है ना मगरिब का टाइम होने वाला है और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सुबह से आज इतनी कोई शदीद गर्मी थी, यकीन करें मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ या कोई वीडियो बनाऊँ, इतनी कोई आज ज़्यादा हब्स और गर्मी थी, बस रूम में बैठे थे, बैठे बैठे बोर हो गए, अभी बच्चों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो गया तो मैंने सोचा चले साथ में जो है ना अच्छा सा वीडियो भी बनाएंगे, देखते हैं बाहर जाके क्या करते हैं। तो आ जाए आपको भी लेके चलते हैं, आ जाए बाहर। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? 70% ऑफ लग गया है आइडियाज पर, 70% फिर भी कोई नहीं आया। ये देखो समर सेल लग गई आइडियाज पर, मैंने बेडशीटें ले लेनी आइडियाज से टॉवल, वो
अभी हम जा रहे हैं DHA, हम देखते हैं वहाँ पर ना एक पार्क है और वो बच्चों ने नहीं देखा था, उन्होंने कहा चलो अभी हम वो देखने जाते हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो गया। सारा दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं नहीं जा जाता, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, आई थिंक बारिश हो गई है अब, ये थोड़ी थोड़ी आ रही है तो मौसम अच्छा हो गया है। चलो चले, अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ भी नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, इधर से रोड जाता है। तो इधर हुई है बारिश बहुत ज़्यादा और हम लोग आ गए इधर DHA में। यहाँ पर लाइट नहीं थी, मतलब लाइट तो है लेकिन आगे अंधेरा था, पार्क बंद था, पार्क में जाना था बच्चों ने, वहाँ पर नहीं गए और बस अब यहीं पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर वापस चलेंगे, देखते हैं क्या खाते हैं वहाँ जाकर वापस। हीना आइसक्रीम विद ब्राउनी? ना 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 ना, ब्राउनी तो कभी नहीं दी हम। यहाँ पर कुछ खास मार्केट नहीं है अभी, बस यही है, हैं हाँ वो है, एक रेस्टोरेंट भी है लेकिन बाहर जो है ना मौसम अच्छा हो रहा था तो फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए, ठंडी हवा चल रही है, शुक्र है अल्लाह का मौसम कोई अरसे बाद ही अच्छा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उस दिन का अंडा टिक्की बर्गर था ना, उसका मुकाबला कोई नहीं इसका मुकाबला कोई नहीं है कसम से। ठीक है, ये भी मोमोज, चिकन वाले हैं मोमोज, कैसे हैं ये, मतलब अच्छे नहीं खा पी रहे। सॉस कौन सी, मेयोनीज और वही कैच, कौन सी दो कैच।